ऐसे समय जब पैगंबर मोहम्मद विवाद की वजह से हेट स्पीच चर्चा में है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इस पर गंभीर टिप्पणी की है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की ओर से विशेष रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता के आधार पर दी गई हेट स्पीच भाईचारे की अवधारणा के खिलाफ है। ये संवैधानिक लोकाचार को कुचल देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही हेट स्पीच से भारतीय संविधान के तहत दिए गए समानता, समता, स्वतंत्रता और जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। हेट स्पीच संविधान के तहत निर्धारित मौलिक कर्तव्यों का घोर अपमान है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने इसके आगे कहा कि हेट स्पीच विशिष्ट समुदायों के सदस्यों के खिलाफ हिंसा और आक्रोश की भावना को भड़काती हैं, जिससे उन समुदायों के सदस्यों के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। हेट स्पीच को लगभग हमेशा एक समुदाय की ओर लक्षित किया जाता है, ताकि उनके मानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जा सके, जिससे भय पैदा हो। हेट स्पीच लक्षित समुदाय के खिलाफ हमलों का शुरुआती बिंदु है, जो भेदभाव से लेकर बहिष्कार, निर्वासन और यहाँ तक कि नरसंहार तक पहुँचता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके आगे कहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उचित प्रतिबंधों के साथ बोलने और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये एक पूर्ण अधिकार नहीं है। हेट स्पीच न केवल मानहानि का कारण बनती है, बल्कि इस देश के धर्म के एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ अपराध को भी भड़काती है। दंडात्मक कानून हेट स्पीच के खतरे को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करता है। अदालत ने इसके आगे कहा, कार्यपालिका के साथ साथ नागरिक समाज को पहले से मौजूद कानूनी व्यवस्था को लागू करने में अपनी भूमिका निभानी है। सभी स्तरों पर हेट स्पीच के प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता है। सभी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा कानून को एक मृत पत्र नहीं बनाया गया है।